सो दोस्तों, ये एक एयरटेल डिजिटल टीवी का एचडी सेट टॉप बॉक्स है। यहाँ पर देख सकते हैं एचडी लिखा हुआ है और यहाँ पर आपका ग्रीन लाइट ब्लिंक हो रहा है। हालांकि जब भी ग्रीन लाइट जलता है तो उसका मतलब यह होता है कि सिग्नल्स रिसीव हो रहा है आपका, सॉरी एयरटेल डिजिटल टीवी में। सो यहाँ से टीवी स्क्रीन पर स्विच करता हूँ। चलिए, टीवी स्क्रीन को यहाँ से मैं को दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ से बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन शो हो रहा है, मतलब बिल्कुल काला पड़ा हुआ है, जैसे कि फील हो रहा है कि टीवी बंद है। तो अभी अपना ये रिमोट है ना एयरटेल डिजिटल टीवी का, तो इसी में से हम मेनू का अगर प्रेस करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से देखिए मेनू बटन का हमने प्रेस किया और यहाँ पे सारे एनालिसिस वगैरह आ रहा है। तो आपको यहाँ से ऊपर देख सकते हुए आपका एयरटेल स्पेशल आ रहा है, माई अकाउंट आ रहा है, हेल्प आ रहा है, सर्च आ रहा है। तो ऐसे अगर आपका एयरटेल डिजिटल टीवी में ब्लैंक स्क्रीन आए तो इस प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व करोगे और ये प्रॉब्लम्स एक्चुअली होता क्यों है? तो ये प्रॉब्लम्स दो तीन रीजन से होता है। एक तो आपका सिग्नल्स का इशू हो तो ये प्रॉब्लम्स हो सकता है। अगर मैक्सिमम क्वालिटी सिग्नल्स नहीं आ रहे, मिनिमम से भी कम सिग्नल्स में रिसीव हो रहा है, देन आपका ये ब्लैंक स्क्रीन का प्रॉब्लम आ सकता है। और या फिर आपका सपोज मान लो कि स्क्यू एंगल सही सेट नहीं किया हुआ है, जिसका चलते भी ये सिग्नल्स का इशू आ सकता है। तो ये एक सिग्नल्स का इशू है और कुछ प्रॉब्लम्स होता है आपका कार्ड की वजह से। तो यहाँ से फिलहाल मेरे को जो फीलिंग्स आ रही है, कोई कार्ड का इशू नहीं है, बट यहाँ पे सिग्नल्स का इशू होगा। तो चलिए, हम सबसे पहले यहाँ पर सिग्नल को चेक कर लेंगे, ठीक है? इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, मेनू बटन को प्रेस करना है, फिर यहाँ से ऊपर हमें यहाँ जाना है, हेल्प में जाना है, ठीक है? हेल्प में जाने के बाद अगर ओके करेंगे, फिर यहाँ से थर्ड वाला ऑप्शन जो है डायग्नोसिस, इस पर क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद सिग्नल स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी है ना, इसी पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हो मेरा स्ट्रेंथ लगभग 60 आ रहा है, बट क्वालिटी 9 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पे एक चेंजेस करना पड़ेगा। या आम बात से अगर बोलूँ तो यहाँ पर देखिए पीला और रेड आ रहा है, तो इस पर हमें क्या करना पड़ेगा, पीला लाल को चेंज करके पीला एंड पीला होने से हो जाएगा, ग्रीन एंड पीला होने से होगा, ग्रीन एंड ग्रीन होने से हो जाएगा, बट रेड नहीं रहना चाहिए। रेड रहेगा तो आपका सिग्नल्स का इशू लगा रहेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिश एंटीना में स्क्यू एंगल का चेक करना पड़ेगा और सिग्नल्स को थोड़ा सही सेट करना पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए हम इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, सिग्नल्स को थोड़ा ट्रैक कर लेते हैं, ठीक है? तो हमने यहाँ पर स्क्यू एंगल को सेट किया, थोड़ा सा स्क्यू कम था जिसको सही किया है। तो अपना प्रॉब्लम चलिए जहाँ तक मुझे लगा सॉल्व हो चुका है। तो एक बार देखता हूँ जाके अंदर, और ये डिश एंटीना है, हालांकि एक टाटा प्ले का डिश एंटीना में लगा हुआ है ये एयरटेल डिजिटल टीवी। तो अपना प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो चुका है, चलिए टीवी स्क्रीन पे जाके देखते हैं प्रॉब्लम्स कहाँ तक सॉल्व हुआ है। तो आप देखिए यहाँ से अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे दोनों ही देखिए लाइन पीला कलर का आ चुका है। ये दोनों लाइन आपको पीला, और कभी कभार ऐसा हो जाता है ये ग्रीन रहता है ये पीला रहता है, तब भी चलेगा। और अगर दोनों ही ग्रीन हो जाए तो सबसे बेस्ट है। और अगर इस पर रेड रहे ना तो आपका एकदम 100% सिग्नल्स का इश्यू लगा रहेगा। तो ये इसे रेड कभी नहीं रखना है, एक दो चैनल चाहे चल जाएगा आपका, बट बाकी चैनल्स पे सिग्नल्स का इशू रहेगा। तो जब कभी भी सिग्नल ट्रैक करें, ये दोनों को पीला या फिर ग्रीन एंड येलो करें, या फिर मान लो कि आपका हरा एंड पीला, ये दोनों कलर का मिला है, तब जाके सिग्नल सही होगा। तो यहाँ से फिलहाल देख सकते हो आप मेरा सेट टॉप बॉक्स में हुई हरा कलर का लाइट जल रहा है, ग्रीन कलर का एयरटेल डिजिटल टीवी का एचडी सेट टॉप बॉक्स है, जिसमें सिग्नल्स का इशू था, सिग्नल कुछ कम था, जिसे मैंने सिग्नल्स मैक्सिमम करके अभी अपना प्रॉब्लम्स को कर दिया सॉल्व। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम था संजय, मिलते फिर से एक और नया वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।